नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की। जयपुर में हुए सुखदेव सिंह मर्डर केस में नया ट्विस्ट सामने आ गया है। राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या के बाद अब उनकी विरासत को लेकर विवाद शुरू हो गया है और इस विवाद की शुरुआत हुई है सुखदेव सिंह की पत्नी के बयान के बाद। सुखदेव सिंह की पत्नी शीला शेखावत ने अब कहा है कि वो अब राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना की कमान संभालने वाली है। अब विरासत को लेकर एक बड़ा इस वक्त दांव खेला जा रहा है। सुखदेव सिंह की पत्नी की ओर से कहा गया है कि अब कर्णी सेना की कमान सुखदेव सिंह के बाद अब वो खुद संभालेगी, लेकिन विवाद अब सुखदेव सिंह की तीन तीन पत्नियों के बीच है क्योंकि दावा किया जा रहा है कि सुखदेव सिंह ने तीन शादियां की थी। जयपुर में हुए सुखदेव सिंह मर्डर केस में नया ट्विस्ट सामने आ चुका है। राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या के बाद अब उनकी विरासत को लेकर विवाद शुरू हो गया और इस विवाद की शुरुआत हुई है सुखदेव सिंह की पत्नी के बयान के बाद। सुखदेव सिंह की पत्नी शीला शेखावत, जो कि उनकी दूसरी पत्नी बताई जा रही है, कहा जा रहा है कि अब वो राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना की कमान संभालने वाली है, लेकिन ये विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। वो इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि सुखदेव सिंह की एक नहीं बल्कि कथित तौर पर तीन तीन पत्नियां थी और इसीलिए विरासत की बात को लेकर अब तीनों पत्नियों में जो अनबन की बात है वो सामने आ रही है। ये देख आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, 5 दिसंबर को किस तरीके से हत्या हुई थी और अब विरासत पर विवाद, सुखदेव सिंह की विरासत पर विवाद शुरू हो चुका है क्योंकि जिस शीला शेखावत की ओर से विरासत पर दावा किया गया है वो सुखदेव सिंह की दूसरी पत्नी बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल ये साफ नहीं है कि विरासत पर असली हकदार कौन होगा। अभी तक कम से कम लोग यही जानते थे सुखदेव सिंह की तीन तीन पत्नियां हैं। क्या तीनों ही पत्नियां उनकी विरासत पर दावा ठोकेंगी या महज शीला शेखावत जो कि उनकी दूसरी पत्नी है वो विरासत को लेकर दावा ठोकती हुई नजर आ रही हैं और कर्णी राजपूत सेना को आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं। लेकिन सुखदेव सिंह की दूसरी पत्नी शीला शेखावत सामने अब आ गई हैं। उन्होंने श्री राजपूत कर्णी सेना की कमान अपने हाथों में लेने का दावा किया है। न्यूज 18 इंडिया ने उनसे बात की जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि अब वो राजपूत कर्णी सेना की जो विरासत है उसे संभालती हुई दिखाई देंगी। वहाँ पर भी उनके घर में भी एक महिला है जिन्होंने पूरा ये बयान दिया था कि उनके घर में CCTV कैमरा फुटेज वगैरह लगे हैं। आप जानते हैं वहाँ पर किसी को? नहीं सर, ऐसी तो कोई महिला मैंने तो नहीं सुनी और ना ही कोई थी। सपना जी को जानते हैं आप वहाँ पर? नहीं सर, मैं नहीं जानती। सरकार की तरफ से कोई आया आपके पास बातचीत करने के लिए अभी तक? मुझे नहीं पता सर, मैं तो जैसे हमारे मतलब राजपूतों में ऐसा है कि महिलाएं अंदर रहती हैं और पुरुष बाहर रहते हैं, तो पुरुषों में बातचीत ज़्यादा होती है, महिलाओं में बातचीत नहीं होती, हम इंटरफेयर कम ही करते हैं महिलाएं। जो शार्प शूटर जिन्होंने उनकी हत्या की है वो अब तक फरार हैं और अब तक उनकी कहीं पर भी कोई खोज खबर नहीं है, उसको लेकर क्या कहेंगे कि कैसे वो पकड़े जाएं, पुलिस को क्या कहना चाहिए? मेरे को तो 72 घंटे का टाइम दिया है सर, 72 घंटे के अंदर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं होता तो मैंने मेरे कर्णी सैनिक पूरे अलर्ट पर रख रखे हैं, चाहे तो आप पता भी कर लेना, फिर जो होगा वो सरकार जाने और मेरे कर्णी सैनिक जाने, मेरे भाई जाने, जिनको मैंने राखी बांधी है वो भाई जाने कि अपनी बहन के साथ कैसे इंसाफ दिलाना है और कैसे क्या करना है। मतलब ये कहा जा सकता है कि कर्णी सेना की कमान आप भी संभालेंगे? बिल्कुल संभालूंगी सर, मेरे पति ने मुझे, मैं जब शादी करवा के आई थी तो मैं 17-18 साल की थी, तो उस टाइम से लेकर आज तक मेरे पति ने मुझे तैयार किया है, मतलब खुद थे ना वैसे ही मेरा कलेजा भी उन्होंने बनाया है, तो मैं पीछे हटने वालों में से तो हूँ नहीं, इंसाफ तो मैं लेके ही रहूँगी, इसके लिए तो चाहे मुझे जमीन आसमान एक कर देना पड़े मैं इंसाफ लूँगी। शूटरों को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ था, हम लोग जयपुर में थे, आप लोग भी वहाँ पर थे, तो धरना प्रदर्शन में एक ही मांग की जा रही थी कि उनका एनकाउंटर किया जाए, तो आप क्या चाहेंगे? मैं भी एनकाउंटर चाहती हूँ और एनकाउंटर होने के बाद उनको देखना भी चाहती हूँ कि एनकाउंटर हो चुका उनका, ये हो रहा है मेरी मांग। अगर ये कुछ जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके बाद भी वहाँ पर कई लोगों ने आर्थिक सहायता भी दी है आपके परिवार को, तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा की आर्थिक सहायता दी गई है, तो आप लोगों तक तो कुछ ऐसा पहुँचा है कोई जानकारी मिली? नहीं सर, मेरी जानकारी में कुछ भी नहीं है, मैं नहीं कह सकती कि कुछ हुआ है नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता। शीला शेखावत सुखदेव सिंह की दूसरी पत्नी, जिन्होंने साफ तौर पर आह्वान किया है राजपूतों से कि वो सामने आए और एकजुट रहें जिससे कि सुखदेव सिंह का जो बदला है वो लिया जा सके। और विरासत के इस पूरे विवाद को आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए समझाएंगे कि किस तरीके से ये जो विरासत की लड़ाई है वो तीनों ही पत्नियों में बटी हुई है। सुखदेव सिंह की पहली शादी हुई थी
शकुंतला बेनीवाल से और वो फिलहाल राजस्थान के गोगा मेड़ी गांव में रहती हैं। ये देखिए पहली शादी शकुंतला बेनीवाल गोगा मेड़ी के गांव में रहती हैं और कहा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों से सुखदेव सिंह की शकुंतला बेनीवाल से कोई बातचीत नहीं थी, किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं था। लेकिन अब बात करेंगे उनकी दूसरी शादी की। सुखदेव सिंह की दूसरी शादी शीला शेखावत से हुई थी, जिसको आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे। शीला शेखावत राजस्थान के भादरा में रहती हैं और इन्होंने ही विरासत पर बड़ा दावा ठोका है। लेकिन ये फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती है। दावा ठोकने वालों में एक नाम और भी शामिल हो सकता है, वो है उनकी तीसरी पत्नी। इसके अलावा सुखदेव सिंह की तीसरी शादी का दावा किया जा रहा है सपना सोनी को लेकर, जिसके साथ कहा जा रहा है कि सुखदेव सिंह रहा करते थे। सपना सोनी सुखदेव सिंह के साथ जयपुर में रहती थी, वारदात के वक्त सुखदेव के साथ जयपुर में थी वो, और ये सुखदेव मर्डर केस में चश्मदीद भी हैं। और सपना सोनी ही वारदात के सुखदेव सिंह को वारदात के बाद अस्पताल लेकर पहुंची थी। तो सुखदेव सिंह की ये तीन पत्नियां हैं, शकुंतला बेनीवाल, शीला शेखावत, सपना सोनी। सपना सोनी चश्मदीद है, जबकि शीला शेखावत की अगर बात करें तो शीला शेखावत जो है वो लगातार इस बात का दावा ठोक रही है कि सुखदेव सिंह की जो विरासत है वो आगे लेकर बढ़ेंगी। और इससे पहले न्यूज 18 इंडिया ने सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की तीसरी पत्नी होने का दावा जिस सपना सोनी को लेकर किया था, उन्होंने बताया था कि घटना के वक्त वो जयपुर में गोगा मेड़ी के घर पर ही थी। गोली चलने के बाद वो गोगा मेड़ी के कमरे में पहुंची थी, लेकिन शूटर वारदात के बाद फरार हो चुके थे। सुखदेव जी तो यहाँ जो है वो बैठे थे, मेरे पति, वो जो एक और आया था जिसकी डेथ हो गई थी वो यहाँ बैठा था, वो दोनों यहाँ बैठे थे। तो जो शूटर थे वो दोनों यहाँ थे, जो एक साथ में आया था वो यहाँ था, नवीन शेखावत। हाँ, मैं नाम नहीं जानती। वो क्या जानते थे, पति की जान पहचान थी? हाँ, उनके साथ जान पहचान थी। वो 10 दिन पहले लगभग आके गए हैं, वो यहाँ उनसे मिलके गए हैं। सिर्फ वो अकेला ही आया था, उस टाइम शूटर नहीं आए थे। तो वो वहाँ बैठे थे, तो उस बंदे ने इनको फोन पे बात करवाई थी किसी से, मतलब कि जमीनी विवाद को लेके था, क्या था जमीन को लेके मैटर कुछ, उनको किसी से बात कर रही है। तो सर मैं ऊपर थी तो मेरे को वॉइस सुनेगी नहीं, क्यों कैमरे में तो आवाज सुनती नहीं है। मैंने इतना ही देखा था कि वो फोन दे रहा है, फोन देते ही मैं मेरे कमरे में चली गई थी। और इसी मामले में एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। सुखदेव हत्याकांड में गैंगस्टर कनेक्शन के बाद पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गोदारा के गांव के आसपास से 850 लड़कों की लिस्ट तैयार कर ली है और पुलिस उन सभी लोगों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है जिनका संबंध रोहित गोदारा से है। तो देखिए रोहित गोदारा के गांव के लड़कों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। गोदारा से संपर्क करने वालों पर पुलिस की लगातार नजर बनी हुई है और बाकायदा एक दो नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, बल्कि 850 लड़कों की लिस्ट तैयार की गई है। न्यूज 18 ने गैंगस्टर रोहित गोदारा के भाई से भी हालांकि बातचीत की थी, लेकिन आपको बताएं रोहित गोदारा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना जाता है और अब इस मामले में रोहित गोदारा के गांव के लड़कों की लिस्ट तैयार की गई है। 850 लड़के ऐसे हैं जिनका नाम लिस्ट में है। अनुपम सर ये बताइए कि किस तरह की इन्वेस्टिगेशन हो रही है? ये जो हत्याकांड हुआ है इसकी डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस मुख्यालय द्वारा SIT गठित हुई है, वो कर रही हैं, लेकिन चूंकि इसका निवास स्थान यहाँ पे है तो यहाँ श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम लोगों ने गैंगस्टर रोहित गोदारा और ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जितने भी फॉलोअर्स सोशल मीडिया या अन्य रूप में या उनके कनेक्शन में जितने भी इस तरह के युवा या अन्य अपराधी हैं उनका हमने सभी का एक कंप्लीट लिस्ट बना रखी है, लगभग 850 लोगों की, और उनमें से बहुत सारे लोगों का डोजियर हमने तैयार कर रखा है ऑलरेडी। और अभी भी हम जो भी लोग इनके टच में रहे हैं पहले या अभी टच में हैं उन सभी को डिटेन करके एक डिटेल्ड इंट्रोगेशन बना रहे हैं, उनके डोजियर तैयार कर रहे हैं। पिछले 2 दिन में 25 से 30 लोगों को ला कर के इंट्रोगेट कर चुके हैं, लेकिन अभी इन युवाओं का डायरेक्ट कोई इस अपराध में या अपराधियों से कोई लिंक डायरेक्ट हमें मिला नहीं। और दबिश लगातार चल रही है हमारी, जो भी संभावित स्थान है अपराधियों के छुपने के उन पर टीम्स बना करके पूरे जिले में दबिश दे रहे हैं।